नमस्कार, आप देख रहे हैं लुक स्मार्ट। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। रोहतक में पोलिंग के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में जमा 26 प्रत्याशियों ने लड़ा चुनाव। ड्यूटी मजिस्ट्रेट तैनात, 3 शिफ्ट में रहेगी ड्यूटी। हरियाणा के रोहतक लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न पार्टियों के टिकट व निर्दलीय तौर पर चुनाव लड़ने वाले 26 उम्मीदवारों का भविष्य मतदाताओं ने ईवीएम में बंद कर दिया है। शनिवार को पोलिंग के बाद बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं बीपी पैड को स्ट्रांग रूम में रखा गया। अब 4 जून को वोटों की गिनती होगी और तब इनको स्ट्रांग रूम से निकाला जाएगा। डीसी अजय कुमार ने स्ट्रांग रूम में रखे बैलेट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एवं बीपी पैड की सुरक्षा के दृष्टिगत 3 शिफ्टों में आगामी 4 जून तक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट 25 मई को स्ट्रांग रूम सील होने के उपरांत 3 शिफ्टों रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक, सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक तथा दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक तैनात रहेंगे। एसपी ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के साथ राजपत्रित पुलिस अधिकारी की निगरानी में 24 घंटे पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। महम विधानसभा के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त डीसी अजय कुमार द्वारा जारी आदेश के अनुसार महम 60 विधानसभा क्षेत्र के लिए महारानी किशोरी जाट कन्या कॉलेज के मल्टीपल हॉल में स्ट्रांग रूम के लिए 25 मई से 4 जून तक 3 शिफ्ट में ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक मातुराम राजकीय बहुतकनीकी महाविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर राजीव जून, सुबह 6 बजे से दोपहर बाद 2 बजे तक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर हरके शेरावत तथा दोपहर 2 बजे के बाद रात्रि 10 बजे तक एमडीयू के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विकास सिंधु ड्यूटी मजिस्ट्रेट होंगे। तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए लुक स्मार्ट।